हेलो ऑसम पीपल, हम सबका बचपन कार्टून्स देखते देखते बीता है। मुझ जैसे बहुत से लोग तो अभी भी कार्टून्स के दीवाने हैं। कुछ कार्टून्स हमें हंसाते थे, कुछ कार्टून्स हमें जोश भर देते थे। पेरेंट्स भी हमें कार्टून शोज देखने देते थे क्योंकि ये शोज बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं होते थे, राइट? रॉन्ग। दरअसल कई बार कार्टून्स में कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी जाती थी जो बच्चों को भले ही समझ ना आए बट पेरेंट्स को आ जाती थी। फिर उनकी कंप्लेंट पर उन कार्टून्स को बैन कर दिया जाता था, या तो परमानेंटली या फिर टेम्परेरली। आज इस वीडियो में हम ऐसे कुछ कार्टून्स की बात करेंगे जो इंडिया में और इंडिया के साथ साथ कई देशों में या तो पूरी तरह से बैन हो गए या फिर उनके कुछ एपिसोड्स बैन हो गए, कुछ टेम्परेरली और कुछ परमानेंटली। इन पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो, पार्ट वन मैंने एनिमे पर बनाया था जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। पार्ट थ्री की डिटेल्स भी एंड में है, तो वीडियो पूरा देखना। पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। तो लेट्स बिगिन। नंबर वन, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी का नाम आते ही आपको शॉक जरूर लगा होगा कि आखिर ये कार्टून इंडिया में कैसे बैन हो सकता है। एक टाइम पर इंडिया का सबसे पॉपुलर कार्टून उस टाइम विवादों में फंस गया जब दारू पीना, स्मोकिंग करना, वायलेंस के सीन कंटिन्यूसली दिखाए जाने लगे शो में, जिससे बच्चों को भी ये सब करने की प्रेरणा ना मिले। इसके चलते इसके कुछ एपिसोड्स इंडिया में और पूरी दुनिया में या तो पूरी तरह से बैन कर दिए गए या फिर उन्हें सेंसर कर दिया गया। आप खुद देखिए, कुछ एपिसोड्स में तो इतनी वायलेंस थी कि अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए अगर उन सीन्स को रियल में इमेजिन कर ले जाए तो। इसमें बुलिंग को प्रमोट करने वाले सीन्स थे, रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने वाले सीन्स, स्लेवरी को प्रमोट करने वाले सीन्स। किड्स शो में किसिंग सीन्स बैन नहीं होंगे तो क्या होंगे? नंबर टू, काउ एंड चिकन। अब ये तो सबको पता है कि जहाँ काउ की बात आती है वहाँ हम इंडियंस कितने धार्मिक और सेंटिमेंटल हैं। आफ्टर ऑल ऐसे ही नहीं, मैकडोनल्ड जब इंडिया में आया था तब उसे अपना मेन्यू चेंज करना पड़ गया था ड्यू टू बीफ कंटेंट। यही वन ऑफ द मेन रीजंस था इंडिया में इस कार्टून के बैन होने का। काउ इंडिया में सेक्रेड है एंड इस शो में काउ से जुड़े कई ऐसे ऑब्जेक्शनेबल सीन्स थे और जोक्स थे जो इस शो के लिए काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते थे, एज दे माइट हैव बीन कंसिडर्ड एज अ मॉकरी ऑफ हिंदुइज्म। काउ कंट्रोवर्सी के अलावा वल्गर और इनएप्रोप्रिएट जोक्स, विजुअल्स, वायलेंस भी रीजन था इस शो का इंडिया में बैन होने का। अच्छा गाइस, एक और बात, आजकल बहुत से क्रिकेट गेम्स खेले जा रहे हैं जैसे ODI, T20, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के मैचेस भी चल रहे हैं, साथ ही दूसरे इंटरेस्टिंग मैचेस भी चल रहे हैं। दोस्तों, 1X बहुत ही रिलायबल बुक मेकर है जो इस बात को श्योर करता है कि आपको आपके विनिंग्स ऑनेस्ट तरीके से जरूर मिले। इस चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए फर्स्ट डिपॉजिट पर $100 तक का बोनस है जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में, पेटीएम अकाउंट में आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। और भी जो तरीके हैं विड्रॉ करने के उनमें भी आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। लिंक और प्रोमो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो जाओ और प्रूव कर दो कि आप एक ट्रू स्पोर्ट्स फैन हो। और हाँ, इसमें फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व्ड है, अपनी समझ से और अपने पैसों से खेलें। नंबर थ्री, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी। जहाँ ये बच्चा सबसे माफ करना, मैं नॉस्टैल्जिया में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। इस कार्टून में तो कुछ ऐसा गलत दिखाया नहीं गया था बट इसका एक एपिसोड कभी एयर ही नहीं किया गया था जिसमें डेक्स्टर अपनी सिस्टर के बदतमीज बिहेवियर के लिए उसे सबक सिखाना चाहता था बट उसका एक्सपेरिमेंट बैकफायर कर जाता है एंड डेक्स्टर और डीडी के दो वर्जन्स बन जाते हैं, एक रूड और एक पोलाइट। इस एपिसोड में भर भर के गालियाँ थी, इनअप्रोप्रिएट सीन्स थे, इसलिए इस पूरे एपिसोड को ही ग्लोबल लेवल पर रिजेक्ट कर दिया गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर के शोज ही कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, अपने इंडियन एनिमेटेड शोज भी कम नहीं हैं। बाकी ये शोज की बात करने से पहले अगर हम कुछ इंडियन शोज की बात करें तो 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन पेरेंट्स बच्चों के शोज में लिप लॉक सीन्स, बॉडी शेमिंग जैसे कई इश्यूज से परेशान थे। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट डिस्कवरी किड्स, पोगो, निक जूनियर और कार्टून नेटवर्क के शोज के खिलाफ थी, जिसमें डिस्कवरी किड्स पर बंदबुद और बुड़बक नाम का एक शो था जिसमें एक ओवरवेट बच्चे का मजाक उड़ाया गया था। उसके अलावा निक जूनियर पर बर्थडे बम नाम का एक शो था जिसमें GPL वर्ड यूज किया गया था। GPL की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, गोकुल धाम प्रीमियर लीग। आप लोग क्या समझे, नॉटी बॉय। नंबर फोर, स्पॉन्जबॉब स्क्वायरपैंट्स। स्पॉन्जबॉब स्क्वायरपैंट्स इंडिया के साथ साथ 120 कंट्रीज में बैन किया गया था। रीजन वही सेम था, बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसमें भी कई एपिसोड्स में काफ़ी इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज की गई थी, इनअप्रोप्रिएट सीन्स दिखाए गए थे। ऑल्दो हम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सेंसर्ड वर्जन देखते थे स्पॉन्जबॉब का बट स्टिल कुछ एपिसोड्स ऐसे थे
जिन्हें अगर ज्यादा सेंसर किया जाए तो कुछ समझ ही ना आए एंड फिर भी वो एपिसोड्स बुरा प्रभाव छोड़ जाएं। मतलब ये कि उन एपिसोड्स की स्टोरी ही ऐसी होती थी, चाहे कितना ही सेंसर कर लो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, इसके एक एपिसोड में स्क्विडवर्ड सुसाइड कमिट करने वाला होता है। इस एपिसोड का प्लॉट ही यही था, इसलिए इसे टोटली बैन कर दिया गया था। नंबर 5, टाइनी टून्स एडवेंचर। टाइनी टून्स एडवेंचर की बात करें तो ये शो पूरी तरह से तो बैन नहीं हुआ था, बट इसका एक एपिसोड था वन बियर नाम से। बियर वर्ड से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं जूस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जूस की, वही जूस जो शिनचैन के पापा पीते हैं और फिर अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस शो के कैरेक्टर्स उसी जूस का कंजम्पशन, बोले तो मदिरा पान कर रहे थे, जिसके चलते ये एपिसोड इंडिया के साथ साथ दुनिया भर में बैन हो गया। यहाँ जूस का मतलब अल्कोहल है। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग किल्स, इससे कैंसर हो सकता है, तो प्लीज डू नॉट डू दैट। कार्टून्स को ये सब करना अलाउड नहीं है, तो फिर लिविंग बींग्स को तो करना ही नहीं चाहिए। नंबर 6, टेलस्पिन। टेलस्पिन की बात की जाए तो ये मेरा फेवरेट कार्टून था एक टाइम पे। किसी जमाने में ये शो दूरदर्शन पर आता था। सीरियसली गाइज, उस टाइम खूब मजे थे हम किड्स के। फ्री में चिप एंड डेल, टेलस्पिन, मिकी माउस जैसे कई कार्टून्स दूरदर्शन पर ही देखने को मिल जाते थे, वो भी फ्री में बिना किसी झंझट के। इस शो के टोटल 2 एपिसोड्स बैन हुए थे। एक एपिसोड अमेरिका और जापान में बैन हुआ था, वहीं दूसरा एपिसोड इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में बैन हुआ था। रीजन था लॉ का गलत इंटरप्रिटेशन। एशियन कंट्रीज के खिलाफ प्रोपोगंडा फैलाने का भी इल्जाम था इस शो पर। इसके एक एपिसोड में बलू को एक बॉम्ब एज अ गिफ्ट ट्रांसपोर्ट करना होता है। पकड़े जाने पर बलू ये कहकर बच निकलता है कि उसे पता नहीं था कि उस बॉक्स में बॉम्ब है, जबकि ये एक यूनिवर्सल रूल है कि अगर आपने कोई जुर्म किया किसी और देश में तो आप ये कह के बच नहीं सकते कि आपको पता नहीं था कि आप जुर्म कर रहे हो, या जो चीज़ आप कर रहे हो वो जुर्म में आता है उस देश में। आपको उस जुर्म की सजा जरूर होगी, ये गारंटी है। गाइस, क्या आपको पता है कि एक देश में डोनाल्ड डक बैन हो गया था? क्यों? क्योंकि वो पैंट नहीं पहनता था नीचे। ऐसे और भी कई एनिमे और कार्टून्स हैं जिन्हें दुनिया भर में किसी न किसी वियर्ड रीजन की वजह से बैन कर दिया गया था। वो पार्ट भी देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। इन सभी कार्टून्स में से आपका फेवरेट कौन सा था कॉमेंट करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी ही, तब तक मेरे पुराने वीडियोस एंजॉय करो।